पूरा वाकया जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड नवागढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल का है, जहां 2024-2025 शैक्षणिक सत्र के लिए 9 प्रवेशी बच्चों का शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम कराया गया, जिस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडिशनल कलेक्टर SP वैद्य एवं SDM लवीना पांडे उपस्थित रही। जिले के दो बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में हो रहे इस कार्यक्रम में भरपूर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला, जहां भीषण गर्मी के बीच छोटे से कमरे में मात्र 2 स्टैंड पंखों के सहारे, जो कि किसी टेंट हाउस से मंगवाए गए थे, उसी हवा के सहारे प्रवेश उत्सव कराया गया। छोटे से कमरे में सभी मिलकर लगभग 100 से ऊपर की संख्या में बच्चे, शिक्षक एवं अधिकारी कर्मचारियों को बिना पानी की व्यवस्था से ठूस दिया गया था। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी लगभग 3 घंटे बाद समाप्त हुई। तब तक कमरे में उपस्थित बच्चे, शिक्षकों एवं अधिकारी कर्मचारियों का हाल बिना हवा पानी के बेहाल हो चुका था। आखिर ऐसी अव्यवस्था का जवाबदार कौन होगा, जबकि यह पूरा कार्यक्रम जिले के दो बड़े अधिकारियों के समक्ष हुई है। शाला उत्सव कार्यक्रम में पूरी अव्यवस्था देखी गई, बच्चे पंखे हाँकते नजर आए, क्या कहेंगे, पूरा अव्यवस्था। आज छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार जो है आज से वर्ष 2024-25 का शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, और ब्लॉक स्तर पर नवागढ़ में शाला प्रवेश उत्सव समिति का आयोजन यहाँ के शिक्षा विभाग के द्वारा कराया गया था। क्योंकि काफ़ी गर्मी है, आपका क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आया, लेकिन आज हकीकत में काफ़ी गर्मी आप देख रहे हैं, थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था होती रहती, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सभी बच्चे और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षकगण जो है काफ़ी उत्साहित दिखे, और यही उत्साह पूरे साल भर पूरे विकासखंड में और जिले में जो है शिक्षा के क्षेत्र में बना रहे, अच्छा रिजल्ट दे और बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो सभी लोग प्रयास करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ में आज का कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। सर, आज जो स्कूल स्टार्ट हुआ और बहुत सारे शिक्षक आज भी नदारद नजर आए, 300 स्कूलों में से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक आज भी नदारद आए। देखिए, ओवरऑली जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर निरीक्षण कराया जाता है, और अगर कोई शिक्षक अगर जानबूझकर के अनुपस्थित रहता है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। आज स्टार्टिंग है, शुरुआत है आज जो है, तो देखते हैं अगर कहीं पर शिक्षक अगर अनुपस्थित, BO के द्वारा बताया जा रहा था कि सभी स्कूलों में जो है शिक्षकों की उपस्थिति या सुनिश्चित की गई है, अगर कहीं पर अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अवश्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर की रिपोर्ट, देखते रहिए CG Vision TV।